उसके पीछे जो जन आदमी की जो भावना है, जन आदमी को जो भावना है वो व्यक्त करने का एक तरीका है, ताकि केंद्र शासन को ये महसूस हो कि महाराष्ट्र राज्य के लोग क्या चाहते हैं, ये महसूस होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ केंद्र ने कानून पास किया है, केंद्र के ज्यूरिसडिक्शन में आता, मैं समझ रहा हूँ, पर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के MLAs, महाराष्ट्र की अवाम क्या चाहती है वो कहीं ना तो बताना पड़ेगा। इसलिए इस बात को जिस जिस लेवल पे विरोध कर रहा है हम करेंगे। सर एक ऐसी बताई जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे जिलों में है जो मुस्लिम बच्चों को पुलिस वाले जो है उठा कर ले जा रहे हैं, उनको ये चीज के लिए हिंगुली हो गई और वहाँ के देखिए वहाँ पर ठहर के उनको बच्चों को अरेस्ट करा लेते हैं। देखिए ये बात तो गलत है, इसमें कोई यहाँ बैठे हुए लोग को इसमें कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं या किसी को तकलीफ दी है, बिल्कुल नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये आज़ाद देश है, आज़ाद मुल्क है, और आज़ाद मुल्क में हर व्यक्ति को अपनी भूमिका, अपनी इच्छा, अपने जो भी चीज़ है रखना चाहता है वो व्यक्त करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। इसमें कौन कोई गैर कानूनी नहीं है, पूरा बाज़ब्ता परमिशन लेके किया गया है। और परभनी में जो मैं सुनता हूँ, अगर उनके ऊपर कोई कानूनी तौर पर एक्शन लिया है तो वो गलत है, हम मुख्यमंत्री जी से ज़रूर कहेंगे उनके केसेस वापस लेने चाहिए। कपिल सिब्बल साहब ने कानूनी तौर पर बात बताई है, कानून तौर पर उन्होंने ज़रूर कहा है कि ये केंद्र का कायदा है और केंद्र के कायदा को रोकने के बारे में कुछ लीगल इश्यूज पे उन्होंने ओपन किया है। वो कोई उनका उन्होंने ये भी कहा है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, असेंबली में ये सवाल उठा सकते हैं, उन्होंने कहा है जरूर, उसमें गलत कुछ नहीं, दुविधा कुछ नहीं है। कपिल सिब्बल एक लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल है, तो उन्होंने जो भूमिका रखी है वो कानूनी तौर पर इसका जो मतलब निकलता है उतना ही उन्होंने कहा है, उसमें और कोई भूमिका रखी नहीं। सर कांग्रेस ये टीआरपी के लिए सीए का समर्थन कर रही है ऐसा बताया जा रहा है, टीआरपी के लिए टारगेट, टीआरपी जिस तरीके से आपने, हमारा कोई चैनल थोड़ी है, टीआरपी हमारी बढ़ेगी, आपने जो ये चैनल वालों को हमारा कोई चैनल लगाया जा रहा है एमपी नांदेड़ के, आपने बैनर निकाला है, हां तो ये एक टीआरपी के वास्ते करा है, तो देखिए अभी देखेंगे टीआरपी, उनकी टीआरपी देखेंगे कितनी बढ़ती है, अभी देखेंगे। लोकसभा में कांग्रेस ने इसमें समर्थन दिया, राज्यसभा में नहीं दिया, ऐसा आरोप भी लगाया गया। शिवसेना के बारे में उन्होंने कहा है, उसमें ख्याल से उस वक्त चर्चा नहीं हुई थी शायद, इसलिए कुछ हुआ होगा, पर ऐसी कुछ शिवसेना की भूमिका भी वही है, मुख्यमंत्री जी भूमिका वही है, अब किस तरीके इसको अमल में लाना वो देखना पड़े। कानून संजय रावत जी ने जो कहा सोनिया इंदिरा गांधी जी के बारे में, आपने कहा कि मैं खपून घेनार नहीं, तो ऐसा आरोप करा जा रहा है कि खपून घेनार लागना ऐसा जरूरी है कि किसने कहा है, किसने बताया, किसने कहा है, कैसे बना लोकल क्या कि जिस तरीके से, अरे वो तो बीजेपी में है यार, सरकार वहाँ है क्या, उसको तो अभी चिल्लाने उसका काम क्या है, किसी की भी नहीं बताया सरकार, ये आपको टिकाने के लिए खपून घेनार असर करोस लागना, अब बहु काय करे सर, बहु चला चला सांगा चला बोला पा काय करे। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल हिंगोली गेट नांदेड।